भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन द्वारा किसानों के साथ चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, जो कि मोहान रोड योजना फेज वन तहसील सरोजनी नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पैरेपुर के गांव गोकुल खेड़ा बेगम खेड़ा अजीतन खेड़ा के किसानों ने इकट्ठा होकर की। भूमिहीन हो गया, बर्बाद हो गया। हमारे घर की माताएं बहनें जब लोग कॉलोनी में बसते हैं उनके घर में झाड़ू पोछा करने जाती हैं। वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण किसान की ग्रोथ नहीं हो रही है और हमारी जमीन पे कब्जा लेने के बाद में उनका विकास हो जाता है? तो यहाँ भूमि अधिग्रहण अलग विषय है, यहाँ से एक चिपको आंदोलन होगा। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो किसान बेटी बहुएं पुरुष सभी अपना पेड़ को काटने नहीं देंगे और चिपको आंदोलन। किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन है, भूमि अधिग्रहण का जो अनुचित मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, आज ये जो महान ये जो योजना है यहाँ की, उसको लेकर ये 2012 की बताई जा रही है कि इसका अधिग्रहण हुआ। जमीनों का अधिग्रहण होगा, शहर बढ़ रहा है, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जब 2012 में भूमि का अधिग्रहण किया गया, हमारे आपके माध्यम से दो तीन सवाल हैं। क्या सरकार 2012 में जो इन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है, जो यहाँ बाहर से या यहाँ के लोग बसेंगे, क्या आज से 10 साल पुराने जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्लाट और मकानों के रेट थे, क्या उन पुराने भाव में देंगे? अगर नहीं देंगे तो आज अगर इस जमीन पे कब्जा लेने आ रहे हैं, 2012 में जो अधिग्रहण हुआ, 2013 में नया कानून देश में आ गया। जब 2013 में नया कानून आ गया तो वो कौन सी ऐसी जल्दी थी, क्या मजबूरी थी कि इन भोले भाले किसानों की 10 बरस पहले भूमि अधिग्रहण कर ली गई? भूमि अधिग्रहण कर ली गई तो 5 साल तक अगर कब्जा नहीं किसान की जमीन पर पाता है, जो भी संस्था अधिग्रहण करती है, तो वो कानून ये कहता है कि वो अधिग्रहण शून्य हो जाता है। दूसरा, हमारा आपके माध्यम से एक सवाल है कि इस देश में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए एक आंदोलन उत्तराखंड से किया था और उन्होंने कहा था कि पेड़ ना काटे जाए। यहाँ पर जो भी किसान आज आए हैं, माताएं बहनें बच्चे आए हैं, हमारा सवाल है आपके माध्यम से, लखनऊ विकास प्राधिकरण और जो जो सरकारें इस प्रदेश में आई हैं, चाहे पूर्व में किसी भी सरकार का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, उन सरकारों ने वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण करके ग्रीनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। ये सरकार अभी भी वृक्षारोपण करेगी। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, भूमि अधिग्रहण विषय अलग है, लेकिन अगर यहाँ किसान की जमीन पे कब्जा लेने की कोशिश की गई तो ये माताएं बहनें बुजुर्ग जिनके पूर्वजों ने इन पेड़ को लगाया है, तो जिस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था, वो चिपको आंदोलन यहाँ काकोरी की धरती से किया जाएगा, मोहान की धरती से किया। क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके माध्यम से ये भूमि अधिग्रहण रोका जाए? देखिए, हम आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं, अगर इस देश का किसान कानून जानता होता तो शायद इस देश के किसान की ये दशा दुर्दशा नहीं होती। एक छोटा सा विभाग मेरे बचपन के दिनों में यहाँ बना, लखनऊ विकास प्राधिकरण, आज उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी राजा हैं और लखनऊ के चारों तरफ जो भूमि अधिग्रहण हुआ, वहाँ का किसान भूमिहीन हो गया, बर्बाद हो गया। हमारे घर की माताएं बहनें जब लोग कॉलोनी में बसते हैं उनके घर में झाड़ू पोछा करने जाती हैं। वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण किसान की ग्रोथ नहीं हो रही है और हमारी जमीन पे कब्जा लेने के बाद में उनका विकास हो जाता है? तो यहाँ भूमि अधिग्रहण अलग विषय है, यहाँ से एक चिपको आंदोलन होगा। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो किसान बेटी बहुएं पुरुष
सभी अपना पेड़ को काटने नहीं देंगे और चिपको आंदोलन होगा यहाँ। तो भविष्य की क्या रणनीति रहेगी इस धरना प्रदर्शन की? देखो, हम शांति के पुजारी, हमारा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो संगठन है, हमने सभी आला अधिकारियों को, और जिन तक खबर नहीं पहुंची है वो आप लोगों के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि सरकार अगर जमीन लेना चाहती है तो यहाँ पर चूंकि वृक्षा बहुत पुराने वृक्ष हैं, इनको हम कटने नहीं देंगे। जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ कॉलोनी बसा लें, और इन पेड़ों को सिर्फ कटने नहीं दिया जाएगा। या तो सरकार ये बता दे कि वृक्षारोपण की नौटंकी हम आज के बाद नहीं करेंगे। 50 साल पुराना अगर पेड़ कटेगा, ये हरनाम सिंह वर्मा के रहते हुए ये नहीं होने दिया जाएगा। चैनल देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।